मैं राज आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ETC वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप बिहार अगर आपका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, अगर आप बिहार के निवासी हैं, राशन कार्ड आपका छूट गया है, बहुत जगह आवेदन दिए थे आपका नहीं बना है, किसी भी कारणवश आपका रिजेक्ट हो चुका है या फिर नहीं बना है, या फिर आप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बहुत जगह भटके हैं, मुखिया के पास, सरपंच के पास, अपने पंचायत समिति के बाद, फिर भी आपका आवेदन अगर रिजेक्ट हो गया है या फिर आपने अप्लाई नहीं कर पाया है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ चुका है। जहां पे देखिए मैंने लिखा है सभी छूटे हुए लोगों का बनेगा राशन कार्ड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नए, जैसा कहते हैं नए राशन कार्ड के लिए अब होगा ऑनलाइन आवेदन। अब घर बैठे ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे दिया है। अब आपको ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, तो आप तैयार हो जाइए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखने के बिना स्किप किए हुए। अगर आपका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा बिना कोई स्किप किए हुए। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की अपडेट के लिए, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की अपडेट कुछ ना कुछ लेकर आया करता हूँ। हालांकि टेलीग्राम का मेरा लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए। आइए क्या है अपडेट आज के पेपर में दिया गया है और उसको हम जो आपको डिटेल में पढ़कर बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसे बड़ा अक्षर में, यहाँ पे नए आवेदन कार्ड के लिए अब ऑनलाइन आवेदन, इसको हम डिटेल में पढ़कर आपको बताते हैं, तो इसको जान लीजिए। आइए जरा से जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हिंदुस्तान पेपर का है जो कि संवाददाता के, यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोना काल में राशन कार्ड के लिए लाभुक को अब RTPS काउंटर का चक्कर नहीं लगाना होगा। देखिए RTPS मतलब कि जो है आपको ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, वे अब घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किया है। नए राशन कार्ड के लिए लाभुक को विभाग के द्वारा सारी जानकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट पर 6 स्टेप में मांगी गई सूचनाएं अपलोड करनी होगी, यानी कि जो है आप जो ऑनलाइन कर पाइएगा खुद से, आपको 6 स्टेप में आपको आवेदन के बारे में बताना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे लिया हुआ है कि आवेदन करने के बाद मोबाइल पर आएगा मैसेज, मतलब जो आपको नॉर्मल मैसेज आता है वो आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें लाभुक का रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, आवेदन का डिटेल, परिवार में सदस्य की कुल संख्या, मंगाए गए कागजात अपलोड करने के बाद सबमिट करना होगा। आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन के मोबाइल नंबर पर इसका MMS मतलब होता है कि आपको मैसेज आएगा, उसके बाद जिससे आवेदन आपूर्ति विभाग के साइट पर चला जाएगा। इसके बाद विहित प्रक्रिया के बाद लाभुक को नया राशन कार्ड संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। अब कौन कौन लोग ऐसे हैं जिसको कि लाभ नहीं मिलेगा, हम वो भी बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नया राशन कार्ड सिर्फ पात्र लाभुकों को ही बनेगा, वैसे लाभुक को नहीं बनेगा जो आयकर अदा कर रहे होंगे, यानी कि जो इनकम टैक्स भर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। इनके अलावा व्यवसायिक कर 3 कमरे या उससे अधिक पक्का कंक्रीट स्वामित्व की हो, परिवार के किसी भी सदस्य को मानसिक 20,000 आय यानी 20,000 रुपए से अधिक आय ना हो, 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर यानी कि आपके पास फ्रिज नहीं हो, चलिए ये सब दिया हुआ है इसमें अच्छी बात है, वॉशिंग मशीन नहीं उपलब्ध, के 4 पहिया वाहन इनको नहीं, यानी कि ये जो इसमें दिया हुआ है अगर आपके पास 4 पहिया है, वॉशिंग मशीन है, या फिर आपके पास फ्रिज है, या फिर आपके पास छत है, तो आपको जो है इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लाभुकों को अब RTPS का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन। अब देखिए ये कब कैसे करना होगा थोड़ा इसको हम जान लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे RN चौधरी DO के द्वारा ये बताया कि अब पात्र लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा वेबसाइट पर जारी किया गया है। कोरोना काल में लाभुक को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए RTPS पर जाने की जरूरत नहीं है, वे घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात की ये कब होगा और कैसे शुरू होगा, हम आपको जरूर जल्द ही बताएंगे कैसे इसका विशेष अपडेट आता है, हमको आपको बहुत जल्द से जल्द बताएंगे किस तरह से किसके माध्यम से ऑनलाइन होगा। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपूर्ति विभाग के वेबसाइट पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन, हालांकि अभी तक जो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि कैसे होगा, लेकिन जैसे शुरू होगा हम आपको ऑनलाइन करके बताएंगे 6 स्टेप में कैसे कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कैसे जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और आप भी कर पाएंगे, अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है, तो आज ही मेरे चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही अपडेट आएगा ऑनलाइन करने का, हम ऑनलाइन करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप खुद से अपने मोबाइल से या फिर अपने फोन से कर पाएगा अपने लैपटॉप से। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया होगा बिल्कुल दोस्तों के शेयर कर दीजिए और वीडियो को देखने वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए इस तरह की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।